मानव विकास संस्थान के तत्वाधान में आपको बता दें पीएन गुप्ता की अध्यक्षता संस्थान के राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका के सानिध्य व समन्वयक रंजना उपाध्याय के कार्यक्रम संयोजन में आज सदर बाजार में झांसी रानी के नामित एकमात्र चौराहे पर रानी झांसी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा तले रानी को नमन करते हुए 19 की सलामी दी गई। आरम्भ में वंदे मातरम गायन से कार्यक्रम का शुभारम्भ संस्थान के कन्वीनर काका ने किया। रानी झांसी की शौर्य गाथा को स्मरण करने व उसे भावी पीढ़ी की जानकारी मिलाना व उनमें संस्कार को पिरोने की भावना प्रस्फुटित करना ही महत्वपूर्ण है, जिस उद्देश्य से रानी के सम्मान में उक्त सलामी कार्यक्रम माह की प्रत्येक 19 तारीख को किया जाता है। इस अवसर पर रानी तेरा वह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, रानी झांसी अमर रहे अमर रहे अमर रहे व वंदे मातरम के साथ भारत माता की जय जयकार से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। आज का क्या प्रोग्राम रखा गया था, आज का क्या कार्यक्रम? हमारा मानव विकास संस्थान एक संगठन है जो कि विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के ऊपर कार्य करता है। आज के कार्यक्रम में हम विभिन्न जो पुरातत्व स्मारक हैं एवं जो पुरातत्व मूर्तियां हैं उनके संरक्षण हेतु कार्य करते हैं। माननीय कमिश्नर महोदय के द्वारा इन प्रतिमाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के कार्यक्रम में हम महारानी को नमन करने हेतु यहां पर उपस्थित हुए हैं। मानव विकास संस्थान के द्वारा, क्योंकि रानी का जो जन्म दिवस है वो 19 तारीख को होता है, 19 नवंबर को, अतः हमारे द्वारा ये तय किया गया कि सिर्फ 19 नवंबर को ही क्यों नहीं, हम हर महीने की 19 तारीख को महत्वपूर्ण बनाएं और उसी उपलक्ष्य में हर महीने की 19 तारीख को महारानी को नमन किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बच्चे भी उपस्थित हैं जो कि NCC के कैडेट्स हैं। हर महीने हमारे साथ NCC के कैडेट्स उपस्थित रहते हैं एवं उनके साथ हम रानी को नमन करते हैं।